नमस्कार, मैं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता श्री विजय यादव मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, 17वीं विधानसभा में आप किनके साथ जाने की इच्छा में हैं, आपकी पार्टी किनके साथ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। मैं महागठबंधन में हूँ, महागठबंधन में अच्छे तरह से हूँ, दबंगता से हूँ, मजबूती से हूँ, और महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस दिन चुनाव आयोग फैसला करेंगे कि चुनाव होना निश्चित है, हम लोग चुनाव में उतरेंगे। ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को हमने अल्टीमेटम दे रखा है, कह रखा है कि जिनको जिनको जहाँ से चुनाव लड़ना है आप अपने क्षेत्र में तैयारी करें। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगा हम लोग आपके साथ टिकट देने का काम करेंगे, यही हमारी पार्टी की मंशा है। इस बार लगभग कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, ये तो समय बतलाएगा कि हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे। सीट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेंगे, जहाँ जहाँ से हमारी मजबूती होगी, जहाँ जहाँ मुझे बनता है कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे, निश्चित वहाँ अपने उम्मीदवारों को लड़वाने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो उनमें से क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर आप फोकस करेंगे? देखिए, चुनाव आने दीजिए, बिहार के जनता जान रहे। सबसे पहले तो जो एक कोरोना से त्राही त्राही बिहार के मजदूर हो, जो 27 लाख जो मजदूर आए हुए हैं, आज भूखे बिलख रहे हैं, मर रहे हैं। बिहार में ना कोई कल कारखाना है, ना कोई जीने का साधन है। किसान देख रहे हैं कि आत्महत्या कर रही है, बेरोजगारों आत्महत्या कर रहा है। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बिहार में कितना तेज़ी में अपराध बढ़ते जा रहा है। ये सब हमारा मेन मुद्दा होगा। वर्तमान सरकार पर आप किन किन चीज़ों का आरोप लगाएंगे जहां पर ये सब सरकार पूरी तरीके से विफल है? देखिए, सरकार निश्चित हर चीज़ पर विफल है, चाहे रोड का जाल बिछा ले या पुल पुलिया का जाल बिछा, हर जगह एस्टीमेट घोटाला है। कहीं लोगों को कोई काम नहीं है, जहां जहां वही काम किया कि जहां इन लोगों को फायदा हो सके। तो मैं आपको कह देता हूँ कि बिहार की जनता भी समझ रही है, और जिस दिन महागठबंधन एक होकर हम लोग उतरेंगे तो NDA गठबंधन यहाँ से भागने के लिए तैयार रहे। चलिए, तो जिस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इनका कहना है कि इनकी पार्टी महागठबंधन के साथ जाएगी और इनके जो मुख्य मुद्दे होंगे वो बिहार के विकास की तरफ होगी। बहुत सारे आरोप इन्होंने वर्तमान मौजूद रूलिंग पार्टी पर लगाए, और इतना सब कुछ इनका कहना है कि इनके जो पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में ऑलरेडी चुनाव की तैयारी में लगे हैं।